क्या ऑनलाइन काउंसलिंग इफेक्टिव है? कई बार ये क्वेश्चन मेरे पास पूछा जाता है, तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी को जानेंगे कि क्या ऑनलाइन काउंसलिंग इफेक्टिव है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर दी सक्सेस। आई हैव 51 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड 30 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आई एम कमिटेड टू टेक यू टू अ जर्नी ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस इन योर लाइफ थ्रू काउंसलिंग्स, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड लाइफ बिटवीन लाइव्स। सो स्टे कनेक्टेड। जानते हैं कि क्या ऑनलाइन काउंसलिंग इफेक्टिव है। पहले हमने कुछ वीडियोस में बात की है कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कब जरूरत होती है काउंसलिंग करने की। यानी बेसिकली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि काउंसलिंग इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन थेरेपी। कम्युनिकेशन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं पहले उनकी बात को सुनता हूं और फिर जो मुझे ठीक लगता है मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, राइट? अब मुझे जब बात करनी है, मुझे जब आपको सुनना है, मुझे क्या इस प्रोसेस में आपको टच करने की जरूरत है? क्या मुझे आपका कोई बॉडी टेम्परेचर लेना है काउंसलिंग में? नहीं। क्या मुझे आपकी पल्स रेट लेनी है, हार्ट बीट लेनी है? क्या मुझे कोई भी आपको टेस्ट करना है किसी भी तरीके का जहां मुझे फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत है? नहीं, कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं है। और क्योंकि अब फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है तो फिर हम ऑनलाइन में भी अगर हम सेशंस लेते हैं तो वो भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ऑनलाइन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऑडियो कॉल कर सकते हैं या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल मैं कहूँगा ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि वहाँ पर हम फेस टू फेस कनेक्टेड होते हैं, आपका चेहरा भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके भाव क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी आंखों से अगर आंसू निकलते हैं, आपकी आवाज़ टोन, ये तो पता लग ही रही है मेरे को। तो एक पूरी कम्युनिकेशन मैं एस्टैब्लिश कर पाता हूँ और आप भी मेरे साथ एस्टैब्लिश कर पाते हैं अगर हम ऑनलाइन मोड में भी हैं। हाँ, अगर हम वीडियो कॉल पर हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडियो काउंसलिंग बिल्कुल इनफेक्टिव है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ तो वीडियो काउंसलिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अक्रॉस द कंट्री हैं, मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, यूएस में है, लंदन में है, चाइना है, ब्राज़ील है, इटली है, सिंगापुर में है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में भी मेरे क्लाइंट्स हैं। और मैं आपको यहाँ तक भी बताता हूँ कि मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि शायद मेरे ऑफिस से 2 या 3 गली छोड़कर ही होंगे, मतलब अगर पैदल आए तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उनको आने में, लेकिन वो भी कई बार प्रेफर करते हैं कि मुझे ऑनलाइन काउंसलिंग ही लेनी है। सो माय डियर फ्रेंड, उसका एक फायदा ये भी हो सकता है। पहली चीज, आज के ट्रैफिक में हम कम्यूटिंग में जो हमारा टाइम लगता है वो बच जाता है। आप जिस टाइम पर काउंसलिंग स्टार्ट करनी है आप इमीडिएटली लॉग इन कर सकते हैं और इमीडिएटली हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितना टाइम हम काउंसलिंग में यूज कर रहे हैं उससे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा आप यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके की कम्यूटिंग में। ये एक सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अब आप लिमिटेड नहीं रहते हैं अपने एरिया के काउंसलर्स के पास जाने के लिए। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में हैं तो आप कहीं भी हैं और काउंसलर कहीं भी है, आपको लगता है कि वो काउंसलर आपके लिए इफेक्टिव है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। यानी आपकी जो रीच है फॉर द काउंसलर्स, वो आपकी रीच बढ़ जाती है। जब आप काउंसलर्स ढूंढते हैं गूगल के ऊपर तो बहुत सारे काउंसलर्स आपको नजर आते हैं, लेकिन अगर हम ये एक मन में विचार बनाएं कि नहीं, मुझे फेस टू फेस ही मिलना है, तो ऑब्वियसली आपकी रेंज ऑफ सेलेक्शन जो है वो कम हो जाती है उन्हीं काउंसलर्स के जो 5-10-15 किलोमीटर की रेंज में है। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो फिर पूरे वर्ल्ड के काउंसलर्स आपके सामने अवेलेबल हैं, राइट? और अगर देखें, आज जितने भी प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां पे कि सिर्फ हम बातों से सीख रहे हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, जैसे जुडिशरी है, जैसे कॉरपोरेट में वो फंक्शंस हैं। अब देखिए, कॉरपोरेट पूरा वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, टीचिंग पूरे कोरोना टाइम में सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा ऑनलाइन ही तो चला है। हमारी जुडिशरी पर देखिए, कोर्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन चले हैं, वो चल भी रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी लेते हैं तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव है
और आज के दौर में तो मैं ये कहूंगा कि वो इफेक्टिव तो है ही है, लेकिन कन्वीनियंट भी है। ड्राइविंग की हैसल नहीं है, पार्किंग की हैसल नहीं है, ट्रैफिक जैम की हैसल नहीं है, टाइम की हैसल नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रीच बढ़ जाती है। आप दुनिया के किसी भी काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है दैट ही इज एन अप्रोप्रिएट काउंसलर फॉर यू, राइट। सो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है कि हम काउंसलर के पास जाएं, कब जाएं, जाना चाहिए, इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। मैंने काफी वीडियोज मैंने बनाए हैं जो कि काउंसलिंग FAQ के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर अवेलेबल है। उसका मैं लिंक भी मैं डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपके मन में वो सारे क्वेश्चंस जो काउंसलर के पास जाने से पहले हमारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, हेजिटेशंस हैं, वो मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपके मन में भी कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी वीडियो में बनाकर उसको डालने की मैं कोशिश करूँगा। सो I invite you on a journey of unconditional happiness and good luck to you.